इसको वैसे काफी लोग ऐसे एजीबी का स्टिकर लगा के भी यूज हाँ, ये तो है काफी ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे चार्जेस फ्री होते हैं, बाकी इंटरकॉम का यू हैव टू पे। तो इस पे जब लाइट पड़ती है तो आपको आंखों पे रिफ्लेक्शन ज्यादा डार्क नहीं आता, मतलब तो ये जो वाइजर है ये वाइजर अलग से मिल जाएगा। हाँ ये अलग से मिल, मैं देख रहा हूँ सभी हेलमेट का, मतलब जो जीएसटी बिल साथ में दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, जीएसटी बिल आता है सर का, प्रॉपर जेन्युइन बिल होता है। Hey guys, welcome back to my channel. तो भाई पीछे आपको कितने सारे हेलमेट दिख रहे हैं, तो आज हम आपको अपनी वीडियो के अंदर हेलमेट ही दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाएंगे प्रशांत भाई से। कैसे हो भाई? हेलो भाई, बढ़िया, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। मेरे पास किस रेंज के हेलमेट होंगे यहाँ पे? बेसिकली हमारे पास जो स्टार्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका 800 रुपए से, जो बेसिक है हेलमेट होता है 800 से। तो इस वीडियो के अंदर शेड्यूल दीजिए, अभी हम आपको सारे हेलमेट दिखाने वाले हैं यहाँ पे, सारी कंपनी दिखाएंगे और उसके सभी प्राइसिंग बताएंगे। और यहाँ पे हेलमेट की वारंटी वगैरह होती है? वारंटी ऑब्वियसली होती है, वारंटी होगी। तो चलो काम करते हैं, वीडियो चालू करते हैं। वीडियो में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि आपको जो मेन कंटेंट चाहिए आपको वो दिखाएंगे। तो चलो वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे हम चालू करेंगे इन बेसिक हेलमेट से जो ज्यादातर लड़कियों के लिए यूज होते हैं। तो भैया इनकी प्राइसिंग क्या होगी? बेसिकली जो स्टार्टिंग हो जाती है आपका हाफ फेस हेलमेट है, फीमेल्स वगैरह पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकता है इनको। इनकी प्राइसिंग जो स्टार्टिंग होती है आपका है 890 रुपये का हेलमेट है। आपको 890 का स्टार्टिंग, 890 जैसे मैंने आपको बोला था अभी 800 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो हाफ फेस हेलमेट होगा या फुल फेस हेलमेट होगा आपका 800 रुपये चालू होता है, कम्यूटिंग के लिए होता है। ये सब बेसिक हेलमेट है जो डेली बेस लोग के लिए यूज होते हैं। तो सारे इसमें भी आपके 1200, 800, 1600, 1900 ये सब आपका बेसिक हेलमेट से शुरू हो जाता है। तो इनकी वारंटी वगैरह होती है इन छोटे हेलमेट्स की? हाँ, इनकी छोटे हेलमेट्स की 1 साल की वारंटी होती है। अच्छा, इनकी भी 1 साल की वारंटी। वारंटी किस चीज की होगी? वारंटी बेसिकली आपकी जो होती है आउटर शेल बॉडी टूटने की वजह, क्योंकि बाकी सब चीजें टूटी है उसका आउटसाइड टूटी। हाँ वो तो हाथ वारंटी होती है, मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट। मतलब इसमें कोई भी क्रैक आता है बाय डिफॉल्ट आता है या फिर नॉर्मल अगर गिरने से आता है उसमें क्रैक वगैरह उसकी भी रिप्लेसमेंट है? बिल्कुल, अगर नॉर्मली आपका हाथ से गिर जाता है, हाथ से थोड़ा सा ऊंची हाइट से भी गिर गया तो अगर क्रैक आता है तो आपका हेलमेट रिप्लेस हो जाता है कंप्लीट, सीधा रिप्लेस होगा। आपको कहीं नहीं आना जाना पड़ेगा। अगर आप केरला से आओ, यहाँ से अपने घर जाओ, केरला से बैठे बाइक मेल के थ्रू आप इजीली क्लेम कर सकते हो वारंटी। ठीक है, तो मतलब वो बाइक कोरियर यहाँ पे आएगा वापस? नहीं, आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा, आप सिंपली कंपनी को मेल करोगे उसी तरह कंपनी के पास जाएगा। चलो ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें इससे आगे थोड़ी ऊपर रेंज में जाएंगे तो? इस ऊपर रेंज में जाएंगे तो इसके अंदर वही अगेन कम्यूटिंग मास्क थोड़ा स्टाइलिश आ जाता है। तो ये 1900 रुपए के आसपास का हेलमेट आपको, डुअल वाइजर, इसमें डुअल वाइजर आता है आपका, इसका सनवाइजर। ठीक है, इसके अंदर सनवाइजर भी है। तो उनके सबके जो वाइजर है वो रिप्लेस हो जाते हैं मेरे ख्याल से। अगर किसी को वो लगवाना है उसमें ब्लैक वाइजर या मिरर वाला वाइजर तो वो लग जाएगा। अगर का नहीं होगा आपका ऊपर के सारे? हाँ, ऊपर का बोल रहा हूँ, ऊपर का हो जाएगा रिप्लेसमेंट होगा। प्लीज आएंगे तो उसके बाद अगेन सबके जो फेवरेट और सही हेलमेट है अभी के टाइम में, तो वो आता है आपके वेगा स्ट्रट्स। वेगा का जैसे अपना ये बोल्ट बनी काफी ज्यादा चल रहा है वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, वेगा बोल्ट बनी। तो इसके नए ग्राफिक्स भी आ गए हैं आपके क्राउन मैन, तो ये आप देख सकते हैं। आजकल छोटे हेलमेट के अंदर ही मतलब इतने अच्छे ग्राफिक आ रहे हैं कि लोग एजीवी वगैरह में जाते ही नहीं है। और ये बेसिकली वैसे डिजाइन भी अगर मैं बताऊं तो ये एजीवी K1 का कॉन्सेप्ट है वैसे। हाँ, वो देखने में लग रहा है, जब मैंने एजीवी बोला कि ये काफी अच्छा मतलब इसका लुक लग रहा है देखने में। अगर ये कार्बन फाइबर होगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा देखने में। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, मतलब इसकी स्पेशलिटी बताता हूं, ड्यूटी सर्टिफाइड भी है ये। ठीक है, इसका सर्टिफिकेशन है जो आपको हेलमेट के अंदर मिलता है कि 2000 रुपए के हेलमेट के अंदर 2 सर्टिफिकेशन मिलते हैं, विच इज ISI। और इसकी वारंटी क्या? इसकी वारंटी आपकी 1 साल की, अगेन सेम वही आउटर शेल बिल्कुल नहीं सेम। मतलब यहाँ पे जितने भी हेलमेट में देख रहा हूँ सारे हेलमेट लगे हैं सबके, मतलब 1 साल की वारंटी है यहाँ पे? नहीं, सभी की नहीं, इन ब्रांड्स की आपकी 1 साल की मिलती है। मगर अदर ब्रांड्स में जैसे आप एक्सोर में जाते हैं, SMK में जाते हैं, MT's में जाते हैं, तो उनमें आपको 2 साल की वारंटी, उनमें 2 साल की मिलेगी। चलो उसमें बात में आते हैं, पहले हम इन्हीं सभी हेलमेट को कवर करते हैं। इसमें कितने कलर मिल जाएंगे हमको? इसके अंदर आपको ये सारे कलर मिल जाते हैं, ये कलर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका। बाकी एक चीज बताते हैं जो और किसी को पता नहीं होती है या काफी लोगों को इस चीज से नॉन नहीं होते, जैसे आपका ये वेगा बोल्ट है, ये आपका प्लेन हेलमेट है, इसकी काफी अच्छी लुक आ रही है, इसकी बहुत अच्छी लुक आ रही है। इसको वैसे काफी लोग ऐसे एजीबी का स्टिकर लगा के भी यूज, हाँ ये तो है, काफी ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसकी MRP आपके 1800 रुपए है और आपका जो बाकी हेलमेट्स की MRP वो 2000 रुपए। तो उसका रीजन क्या है, ग्राफिक्स के 200 रुपीज एक्स्ट्रा कंपनी चार्ज करती है आपसे। मगर अगर मेरा पर्सनल रिव्यू मांगू तो मैं इस पर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बंदा वेगा डाके AGV लगाएगा तो ये कोई इसको बोलेगा नहीं कि AGV है या नहीं है। काफी लोग कंफ्यूज, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि चलते हो ना ये बाइक के में बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा हेलमेट है, काफी लाइट वेट है और बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है देखने में। इसका प्लस पॉइंट एक और है, आपको DN वाइजर मिलता है ऑलरेडी बाय स्टॉक। हाँ वो तो है, ये देखो इसके अंदर वाइजर भी हमें पहले से सिल्वर वाला मिलेगा बाय डिफॉल्ट। अगर किसी को चेंज करवाना हो, किसी को व्हाइट लेना हो तो वो रिप्लेस हो जाएगा, यहीं से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, आप एनी टाइम कभी भी आके करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रट्स का थंडर आ जाता है, सभी राइडर्स से नोन भी होंगे, सबको पता होगा इस कार में स्ट्रट्स का थंडर है। अब ये भी DOT सर्टिफाइड आगे आने लग गया, पहले आता नहीं। हाँ, जितने भी बड़े हेलमेट है सारे ये DOT सर्टिफाइड होंगे, सारे जितने भी होंगे DOT होंगे। तो ये आपका आ जाता है, ये वाला इसका प्राइस है 1985 आता है आपका स्ट्रट्स का थंडर। अच्छा एक बात, सबसे बढ़िया जो मैंने आप बात पूछनी आपसे वो बात ये है कि ये जितने भी हेलमेट है यहाँ पे, जितने आप रेट बता रहे हो कुछ नेगोशिएबल होगा इनमें? वैसे ऐसे कुछ स्पेसिफिक होते नहीं, लेकिन जो बेस्ट होगा आपके लिए, जो बेस्ट होगा लगाओगे ना, कोई अगर मेरा नाम लेके आएगा हल्का बहुत कर देना उसमें। ठीक है, तो आगे अगर हम बढ़ेंगे वीडियो में
तो आगे हम कौन सा दिखाने वाले हैं? भी देख रहा हूँ काफी बढ़े यहाँ पे, ये वेगा का सारा जो सीरीज है ऑलमोस्ट सारे सीरीज वेगा का बोल्ड बनी है। अच्छा, तो सारे मतलब वेगा के बड़े हैं यहाँ पे, ये सारे जितने देख रहे हो वेगा के राइटर वगैरह आ जाता है इसका, ये 1900 रुपए का, ये सेम मॉडल कॉन्सेप्ट लगा था, ये डीओटी सर्टिफाइड आता है आपका। बाकी आपका स्टेट में अगर आप देखोगे मॉडल हेलमेट्स की काफी डिमांड रहती है, तो वो निंजा एलीट आ जाता है आपका, ये आपका निंजा एलीट है, यहाँ से आप बटन पुश करते हो यहाँ से ओपन हो जाता है। तो इसमें ये वाला ग्राफिक देख लीजिए, अभी दूसरा आपको दिखाता हूँ, तो ये दूसरा आ जाता है, ये क्या है आपका पुश करना होता है आपको सिंपली बटन में, इसका जो मॉडल हेलमेट्स होते हैं ज्यादा टूरिंग बाइक यूज होते हैं, टूरिंग बाइक होगी या फिर बुलेट वगैरह होगी, इन पर लोग यूज करते हैं, तो मॉड्यूलर हो गया। तो ये वाला मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ये थंडर जो सामने पड़ा है वाला, ये थंडर अपना सेम वही है बिल्कुल, ऐसे कलर दूसरा है, तो ये सेम ही है उसके एक्चुअल में, इसका कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे किसी को केटीएम वगैरह किसी के पास पड़ी है उसको ये ऑरेंज ग्राफिक में बहुत सही लगेगा। ये इसमें वाइजर नहीं है, वाइजर लगा के दोगे ना? हां, इसका वाइजर अभी वैसे नहीं, इसका वाइजर रिप्लेसमेंट में डालना है, इसका जो है एक दिक्कत थी तो वो उससे निकाल के रख दिया, ताकि फ्रेश पीस पड़े हुए अंदर आपके पास। ये सब ऑलमोस्ट वैसे हमारा, पहले एक चीज बताता हूं, हमारा जितना भी जो स्टॉक है वो सब डिस्प्ले ही होता है, ऐसा नहीं कि मतलब ये डिस्प्ले अलग है और बॉक्स पैक अलग होता है। अच्छा, तो सारी एक ही चीज होगी, हमारा काम है हमारा स्टॉक है हमारा डिस्प्ले, ठीक है। काफी कस्टमर्स का कंफ्यूजन रहती है, तो इसके लिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ेंगे हम, बाकी इसके बाद हम चलते हैं, तो आपका शर्ट का ड्रिफ्टर आ जाता है, ड्रिफ्टर आपने देखा होगा, ड्रिफ्टर में एक स्पेशलिटी क्या है, थोड़ा एरोडायनामिक लुक आ जाता है आपका, दूसरा आपके साथ सनवाइजर मिलता है एक्सप्रेस का, ठीक है। तो ये स्मोक, ये सनवाइजर नहीं है मेरे ख्याल से, स्मोक वाइजर, हाँ स्मोक है, मतलब सनवाइजर बेसिकली इन द सेंस के मतलब डुअल वाइजर जो होते हैं, तो सनवाइजर कह सकते हैं, डुअल वाइजर कह सकते हैं, तो स्मोक वाइजर बेसिकली आप स्मोक वाइजर है। तो इसमें क्या होगा, आप जैसे आप चला रहे हो राइड वगैरह, आपको वाइजर चेंज नहीं करना है, तो यू कैन इजीली जस्ट पुट इट डाउन, और आपको जो है आंखों पर थोड़ा ठंडा फील होगा, तो ये उस चीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म दे रखा है, यहाँ पे आप ऐसे नीचे करोगे ऊपर करोगे तो काफी हेल्पफुल रहता है। एरोडायनामिक अगेन ड्यूटी सर्टिफाइड है, तो ये भी काफी ज्यादा नॉन में हेलमेट है, मुझे सामने हेलमेट दिख रहा है, इसके अंदर माउंट लगा हुआ है, मतलब प्रिंस शोल्डर या फिर ये अलग से लेना पड़ेगा? प्रिंस शोल्डर है, ये बेसिकली पर्सनल हेलमेट है मेरा। अच्छा, ये आपका पर्सनल हेलमेट है? मैं इसे टांग रखा क्योंकि यहाँ पे अगर मैं नीचे रखूंगा तो भी लास्ट से मेरा माउंट टूट गया, तो मैं ओके ओके ओके। तो वैसे ये जो सारा सिस्टम वगैरह ये आपके पास मिल जाएगा? हाँ, ये सब हमारे पास मिल जाएगा, सब मिल जाएगा ना। तो उसके अगर हम इस रेंज के अगर आप आगे बढ़े, तो इसका रेंज पे अगर आगे जाते हैं तो उसके बाद हेलमेट अगर आपको दिखो तो एक्सिस क्या जाता है, एमटी का सब ब्रांड है। एमटी का सब ब्रांड किस तरीके से, जैसे आपका हुंडई का किया मॉडल है, ऐसी ही ये एमटी के सब ब्रांड है एक्सेस। अब एक्सेस में क्या है, एक्सेस में आपको हाई क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट शेल मिलता है जो एमटी के हेलमेट में ही यूज होता है, और इसकी जो स्टार्टिंग रेंज है, ये जो हेलमेट जितने का है, ये 3-5-0 का है, 3-5-0 का, ये 3-5-0 का। इसमें आपको फोटोक्रोमेटिक वाइजर मिलता है, काफी लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि अगर रोड पे कार वगैरह सामने से हाई भी मारी होती है तो आंखों में लाइट छुप जाती है, तो उसमें कहता हूँ नॉर्मल हेलमेट की शीशे के अंदर आपको क्वालिटी नहीं मिलती है, ये फोटोक्रोमेटिक वाइजर होते हैं, पीसी लेंसेज बोलते हैं इनको, तो इस पर जब लाइट पड़ती है तो आपको आंखों पर रिफ्लेक्शन ज्यादा डार्क नहीं आता, मतलब तो ये जो वाइजर है ये वाइजर अलग से मिल जाएगा? हाँ, ये अलग से ही मिल जाता है, जैसे अगर किसी को अपने एक्सोर में लगाना हो या किसी और में लगाना, तो वो पर्टिकुलर हेलमेट के साथ से। अच्छा, वो पर्टिकुलर हेलमेट के साथ होगा, तो ये सर्विस के साथ मिलेगा? हाँ, तो ये बेसिकली मैकेनिज्म के फर्क होता है, तो कंपनी के हिसाब से कंपनी के वाइजर से होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके एक्सिस के सेगमेंट सीरीज आते हैं 3-5-0 की, जब अगर इससे ऊपर चलेंगे तो इसका फिर एक्सिस का आ जाता है हमारा। इसके ग्राफिक काफी अच्छे लग रहे हैं, मतलब ये सभी एक ही रेंज के ही सारे, ये कितने बड़े रेंज के, वो 3-5-0 का है, ये आ जाएगा फिर आपका एसएमके टाइफून। अगर बात करी जाए तो एसएमके टाइफून आपका, पहले एसएमके का स्टाइलर मॉडल आता था, अभी भी आता है, और एसएमके का आता था ट्विस्टर, ट्विस्टर का जिन्होंने अपडेट करा टाइफून मॉडल निकाल दिया। इसमें आपको डुअल वाइजर मिलता है, यहाँ पे उसका साइडर है, ये डुअल वाइजर मिलता है, दूसरा आपको यहाँ पे मिलता है एंटी फॉग लेयर, अंदर एंटी फॉग लेयर सर्दियों में काफी काम आने वाले, काफी ज्यादा काम आने वाले, विंटर सीजन है क्योंकि जब सांस लेते हैं तो अंदर सर ना वो फॉग जम जाती है, तो उसके लिए हमें ये काफी कंपल्सरी लगाना चाहिए, पूरा विजन ब्लॉक हो जाता है, उससे विजन ब्लॉक। वैसे मैं तो लोगों को यही अपनी पर्सनल राय दूंगा कि सर्दियां आ रही है तो लोग यही वाइजर यूज करा करें, जो शेड वाले वाइजर होते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें। अब इसमें आपको डबल डीजिंग स्ट्रैप मिलता है, जो वर्ल्ड का सबसे सेफ है टेंशन। हाँ, ये एक्सोर में भी यही होता है ना? हाँ, एक्सोर में भी आता है, एसएमके में भी आ रहा है, थोड़ी प्रीमियम पैडिंग इसके अंदर से, जो स्टफिंग है काफी ज्यादा सॉफ्ट दिख रही है देखो। हाँ, अगर वो दिख रही होगी काफी ज्यादा अलग से है। हाँ, ये काफी सॉफ्टनेस, मतलब आपका सर दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं आपके कंफर्ट के लिए, तो इसकी रेंज कहाँ से, मतलब की है कहाँ से लेकर कहाँ तक ये हेलमेट? ये आपका रेंज जो है सारी मेज है, यहाँ पे 5150 से आपका 4850, और इसमें 6450 आपका एसएमके का मॉडल हेलमेट आ जाता है, ये 6450 का पड़ता है। इसमें एंटी फॉग आपको डुअल वगैरह दोनों चीजें मिलती है, मॉडल होता है हार्लीज वगैरह के लिए आपके, जिसका ओपन होता है वो ज्यादातर हार्ले यूज होता है, इंटरसेप्टर हो गया, फिर क्रूजर बाइक जितनी भी क्रूजर कैटेगरी के, या फिर ऑफ रोडिंग के लिए भी अच्छा खासा काम करेगा, तो उसमें कर सकता है, लेकिन ऑफ रोडिंग के लिए आपके अलग ऑफ रोडिंग क्या लगाते हैं, मतलब मेरे ऑफ रोडिंग गलती से बोल दिया, मतलब टूरिंग के लिए हेलमेट यूज होता है, टूरिंग के लिए यूज कर सकते हो, सिटी राइडिंग के लिए यूज कर सकते हो, बाकी एसएमके भी आपका
स्टाइलर जो बात करते हैं, स्टाइलर 4850 4800 की आर बी वाला हेलमेट आता है इनका। इसमें आपको एंटी फॉग लेयर मिलती है, सिंगल वेदर हेलमेट आपका। अच्छा, तो आप ये जितने भी हेलमेट है सारे मैं देख रहा हूँ, सभी हेलमेट का मतलब जो GST बिल साथ में दोगे? बिल्कुल, GST बिल आता है सर का, प्रॉपर जेनुअन बिल होता है और जो बिल होगा 100% जेनुअन होगा। ऐसा नहीं है कि सुबह बनाया बिल और रात को रिलेट हो गया, ठीक है? काफी जगह ऐसा होता भी है, लेकिन ऐसा कुछ होगा आपको बिल, मतलब हैंड टू हैंड बिल दोगे? बिल्कुल, हैंड टू हैंड आपको बिल मिलेगा, प्रॉपर उसमें डिटेल्स होगी, आपकी GST डिटेल सब कुछ में ऐड होती है, 80% GST आपके हेलमेट में इंक्लूडेड है। उसके बाद SMK का कलर बहुत सारे मिल जाता है, आपके टाइफून के कलर होंगे तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर ऑफ रोडिंग की बात करी जाए तो ऑफ रोडिंग के हिसाब से ऑफ रोडिंग हेलमेट भी अवेलेबल है, जो कि SMK ने बनाया ऑल्टेरा। आप इसे उठा के देखिए, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ये। हाँ, बाकी के अकॉर्डिंग काफी लाइट वेट है ये, तो ऑफ रोडिंग में ज्यादा लाइट वेट हेलमेट इसे लगते हैं। ये सिर्फ 1300 ग्राम का है और सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसमें DOT सर्टिफाइड भी है, यूरोप भी सर्टिफाइड है, ISI सर्टिफाइड है, 3 कंट्री सर्टिफिकेशन आपको सिंगल हेलमेट मिल गया। तो इनके वाइजर में दिख रही है, इनके वाइजर का आप बोलते हैं बेसिकली इसमें दो ऐसी दो हेलमेट आते हैं, एक आता है आपका डुअल स्पोर्ट में आपको वाइजर भी मिलता है, पीक भी इनमें वाइजर नहीं मिलता मेरे ख्याल में, आपको अलग से लगाने पड़ते हैं, साथ ही अलग से वो लगाने पड़ते हैं। ये बेसिकली हमें ट्रेल राइडिंग के लिए होता है, जब डर्ट बाइकिंग बोले, ट्रेल राइडिंग बोले, जहाँ आपने मतलब बाइक को जंप करना होता है, ऑफरोडिंग करनी होती है, ठीक है, इसमें ग्लासेस यूज करना होता है, गॉगल्स आते हैं अलग से। हाँ, वो देखिए, वो यूज कर सकते हो, तो वो गॉगल्स आपके पास अवेलेबल होंगे, तो अभी हम इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे अभी। बिल्कुल, अब इसके अंदर आपको इसके बाद आपको एक्सिस का, वो एक्सिस का सेगमेंट है, एक्सिस का ड्रैकेन है, ड्रैकेन अगेन आपका हाई क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट शेल, इसमें मेंशन भी दे रखा है आपको, अगेन MT का सब ब्रांड है। तो 4250 के अंदर एरोडायनामिक शेल हेलमेट आपको मिल जाता है, जो कि आपका ECE DOT और ISI सर्टिफाइड है। 4250 के अंदर आपको ये वाला हेलमेट मिल जाएगा, उसके भी लुक काफी अच्छे। तो इनमें जो मैं देख रहा हूँ कि इसमें पीछे स्पॉइलर्स नहीं है, तो स्पॉइलर अलग से अगर मैं ऐड ऑन करना तो हो जाता है अपने, कर सकते हो शायद, और कोई कोई कंपनी का इसका आसान ही स्पेसिफिक, लेकिन ये ऑलरेडी मतलब आफ्टर मैटर जो आते हैं, जो एडिशनल आते हैं, उसमें लगा सकते हैं, फ्री एम डेप्थ के साथ, ठीक है। फिर आपका और भी हेलमेट अगर देखें, MT का रेंज आ जाता है, MT अगेन, MT है इसका, स्पेन का ब्रांड है, तो ये स्पीड का ब्रांड है आपका, हाई क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट शेल है, ये एक्चुअल ब्रांड है आपका, और इसके अंदर आपको अगेन BC लेंसेज मिलते हैं, इसमें भी MT और एक्सिस के तो दोनों BC लेंसेज मिलते हैं, जो अगर आपको अभी इशू शेयर करा था, वो इशू आपको इसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी तक हेल्प करता है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होती है। अगेन कंफर्टेबल पैडिंग होती है, ECE DOT ISI सर्टिफाइड होता है, और ग्राफिक्स अगर आपको क्रेजी ग्राफिक्स पसंद है, या आपको ऐसे ग्राफिक्स पसंद है जो और हेलमेट से अलग लगे, तो आप तो इससे ज़्यादा क्रेजी ग्राफिक क्या चाहिए आपको? ऊपर शार्क बनी हुई है, लोग को ज़्यादा रीच होता है, मुझे शार्क चाहिए, हमें शार्क वाला एडिशन चाहिए, लोग अपनी बाइक को भी ये कराते हैं, यहाँ पे काफी कुछ लिखा भी हुआ है, यहाँ पे शार्क लिखा हुआ है और MT वगैरह सब ब्रांडिंग दे रखी है, मतलब देखने में काफी कूल सा लग रहा है हेलमेट ये भी। तो इसी तरह से मतलब काफी हेलमेट है यहाँ पे, जिनके काफी अलग अलग तरह से मतलब ब्रांडिंग है, यहाँ पे आइस बन रखी है इसकी, और यहाँ पे भी अलग ब्रांडिंग है, और वहाँ पर भी उसकी आइस बन रखी है सबके, मतलब बहुत सारे में देखने को मिल रहे हैं, बाकी सभी हेलमेट हम कवर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी हम जो मेन हेलमेट है वो यहाँ पे एक्सोर के बड़े हैं, वो कवर करते हैं। अभी एक्सोर के बारे में बताओ, यहाँ पे एक्सोर की बेसिकली स्टार्टिंग रेंज जो आती है, एक्सोर की एपेक सीरीज आपकी 5000 तक की आती है, 5000 से अलग अलग आपके, तो 5000 वाली कौन सा अभी हेलमेट, 5000 वाली आप इसको इन तीनों को छोड़ के, ये बाकी सारे 5000 की सीरीज है, और इन तीनों को छोड़ के, इसको छोड़ के और इसे छोड़ के और उसे छोड़ के, इसको इसको इन तीन को इन दिन को छोड़ के और इसको छोड़ के, वो रेंज इसकी स्टार्टिंग में एक सीरीज आ जाती है, ये 3400-3500 के आसपास की होती है आपकी, ठीक है। इसमें नया ग्राफिक्स आया आपका लायन, तो मतलब टाइगर है बेसिकली, तो आप ये देख सकते हो। उसके अलावा बाकी ये सारी एपिक सीरीज जो सारे 5000 की, मतलब अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको मिलता है एंटी फॉग, डुअल वाइजर्स, डबल डी रिंग। एक्सोर तो बेस्ट है, अगर हम कहना चाहें कि आपको बजट के अंदर काफी हैवी चीज चाहिए और बढ़िया चीज चाहिए, लुक्स भी चाहिए, तो एक्सोर बेस्ट है उसके लिए। जो बेसिकली अगर जो मैंने आपको दिखाया, जो 2000 से लेके हमारे जितने हेलमेट स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से जितने भी हेलमेट्स है, इनमें पैडिंग रिमूवल और वॉशेबल होता है, आपको स्पीकर पॉकेट्स मिलते हैं, स्पीकर पॉकेट से आप इंटरकॉम ब्लूटूथ डिवाइस को, तो मतलब जितने सबके हेलमेट बड़े हैं सारे वॉशेबल होंगे, अंदर से उनकी पैडिंग निकल सकती है, रिमूवेबल है, और साथ में इसके अंदर अगर हमने कुछ स्पीकर वगैरह ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टिविटी कराने, तो आप समझोगे यहाँ पे बिल्कुल, तो आप उसके ज्यादा चार्जेस होंगे उसके, हमारे यहाँ पे चार्जेस फ्री होते हैं, बाकी इंटरकॉम का यू हैव टू पे बेसिकली। अच्छा, अलग अलग आते हैं, आपको नॉर्मल ब्लूटूथ डिवाइस चाहिए, आपको ब्लूटूथ डिवाइस मिल जाएगा जिसमें इंटरकॉम सिस्टम नहीं होता है, जैसे आपको नेविगेशन सुननी है, गाने सुनने, कॉल्स वगैरह पिक करनी है, बिना हेलमेट उतारे तो वो भी मिल जाएगा आपके पास, इंटरकॉम वगैरह मिल जाएगा। उससे लेके हमारे पास सेना भी अवेलेबल होता है, मतलब कार्डो भी अवेलेबल होता है, कार्डो सुपीरियर मतलब बाहर का ब्रांड है आपका, और सेना भी यूएस का ब्रांड है, तो आपको सारा स्टार्टिंग रेंज से लेके आगे तक मतलब 1250 से लेके आपको 13000 20000 25000 40000 तक का भी इंटरकॉम, 50000 का सेना 50C वगैरह, तो भी GST भी मिलेगा, वो भी GST भी मिलेगा, आपकी 2 साल की प्रॉपर वारंटी होती है, ठीक है। तो वारंटी मतलब वो वाटर प्रूफ होते हैं वो प्रॉपर, अभी जैसे आपका सेना वाटर प्रूफ नहीं होता, कार्डो में आपको दिखा देता हूँ, ये बेसिकली आपका स्क्रीट HD आपका स्क्रीट लगा हुआ है, ये बेसिकली कार्डो है,
तो कार्डो में आपको वारंटी मिलती है, और कार्डो में वारंटी मिलती है प्लस आपका पूरा 100% वाटर प्रूफ होता है। तो बाकी जो छुंडिया देख रहा हूं मैं, ये V6 वगैरह लगा हुआ, ये वाटर प्रूफ है भी? ये वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट होता है काफी हद तक, मतलब मीडियम, मतलब नॉर्मल अगर हम बारिश वगैरह में यूज कर सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश में आप चला सकते हो, अगर काफी ज्यादा तेज बारिश होगी तो आपको निकाल के रखना पड़ेगा। अच्छा, काफी ग्लव्स पड़े हैं यहाँ पे, और ये बैकपैक बड़े हुए हैं टूरिंग के लिए यहाँ पे, और ये पीछे जो बैग टकता है, टॉप बॉक्स पड़ा हुआ है यहाँ पे, और कार्बोनाडो का जीटी पड़ा यहाँ पे, मतलब राइडिंग बैग भी सारे आपके पास अवेलेबल है। सारी आपको लगेज फिटिंग वगैरह हमारे दो स्टोर हो रहे हैं, एक इटौरनी में, एक नारायणा में, तो वहाँ पे आपको बाइक के पार्ट लोग बेसिकली ज्यादातर करोलबाग ही आते हैं, तो आप करोलबाग के बता दो कि लोग जो वहाँ पे स्टोर होंगे वो अलग से कवर करेंगे तो वो तब बताएंगे, मगर जो ज्यादातर हमारा जो दिल्ली का यूथ है, जितने भी दिल्ली के बाइकर हैं, दिल्ली छोड़ो पूरी इंडिया के जितने बाइकर हैं, उनको बस एक ही बात मालूम है, दिल्ली के अंदर जाना है, करोलबाग में बाइक मार्केट है। हाईएस्ट रेंज ये है, इसके अलावा हमारे पास सैडल बैग हो गया, और इसकी रेंज क्या है, ये काफी अच्छे चल रहे हैं, ये 4400 का आपका शील्ड, तो केटीएम वगैरह के लिए तो बहुत सही लग रहा है, केटीएम के लिए, निंजा के लिए, ये सीबीआर के लिए, मैं सभी बाइक्स बता रहा हूँ आपको साथ साथ में, यहाँ पे हमारे पास कार्बोनेडो के साथ साथ ये भी पड़ा हुआ बैग, जो मैं यूज कर रहा हूँ, डर्टल बैग बोलते हैं, और जैकेट्स भी आप दे, जैकेट्स मेरे ख्याल से ऊपर रखी हुई आपने, तो वो काम करेंगे, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल जो हमारा ये मेन कंटेंट था, बेसिकली कंटेंट हमारा सर हेलमेट के ऊपर था, तो अभी ये वीडियो हमने कवर कर ली है, तो फिर काम करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो बंद करने का टाइम आ गया, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, आप मैं इसका डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे रहा हूँ, शॉप का एड्रेस और शॉप का फोन नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कुछ भी पूछ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जाओ, उनका नंबर निकालो, उनको कॉल करो, व्हाट्सअप करो, जो मर्जी करो, उनके पास आओ, यहाँ पे करोलबाग में राइडर्स प्लानेट पे आओ, तो या तो आप कर दो, आपके वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, और पहले भी प्रेस कर देना, जिससे कि मैं नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले, तो हम आपको मिलते हैं अगले न्यू कंटेंट के साथ, अगर आपको राइडिंग जैकेट का कंटेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट फेंक दो जितने फेंकने, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।